गाइस एग्जॉस्ट लगाने की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है गाइस इसके जो है ना माइलेज बताने से पहले तो मैं बताता हूँ आपको ये कितने का लगा है टोटल मेरी गाड़ी में। तो गाइस ये आपका आया था चलते हैं इसके फोर्थ डिसएडवांटेज के ऊपर। तो गाइस जो मैं आपको बता रहा था कि यार ये किमाड़ी साइड ब्लॉग शूट करने एक अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट के बारे में बताएंगे। तो आज हम एग्जॉस्ट लगाने के डिसएडवांटेज क्या है अपनी गाड़ी के अंदर, और तो और मैंने अपनी गाड़ी में एक्टिवा में लगा रखा है एग्जॉस्ट, तो गाइस मैं इसके डिसएडवांटेज बताऊंगा एक्टिवा में एग्जॉस्ट लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस पहले चलते हैं लोकेशन पे एंड तब तक के लिए आप करें सिनेमैटिक एंजॉय। टैलेंट है गाइस, टैलेंट ये सब टैलेंट है, फूट फूट के भरा हुआ है शरीर के अंदर। तो गाइस हम पहुंचे तो लोकेशन पे एंड आज की जो लोकेशन भाई वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। हवा से देखो, हवा की आवाज़ एक और होगी। तो गाइस ये देखो भाई लोकेशन देखो आज की, यहाँ पे हमारा सिग्नल भी नहीं आ रहा है एंड ये हमारी गाड़ी। तो इसके बारे में बताएंगे तुम्हें आज बाकी, लेकिन चेक करो यार क्या बढ़िया। वीडियो से पहले मैं बताऊंगा आपको अपनी गाड़ी कुछ बेसिक सी डिटेल्स। पहले हमें एक मैसेज हमारे दोस्तों को फॉरवर्ड करना है। वीडियो से पहले करते हैं इसके थोड़े सिनेमैटिक एंड फिर बताते हैं इसके डिटेल एग्जॉस्ट के ऊपर जो इसकी डिसएडवांटेजेस है अभी भी जो हमने झेल के आए हैं। सिनेमैटिक एंजॉय कर लिए तो गाइस चलते हैं इसके जो मैं आपको बता रहा था एग्जॉस्ट के ऊपर जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स बताने से पहले तो मैं बताता हूँ आपको ये कितने का लगा है टोटल मेरी गाड़ी में। तो गाइस ये आपका आया था 2000 रुपये का, इसका स्टिकर खो गया था मेरे से एंड ये 850 रुपये का है, ये अलग से पाइप लगा हुआ है और बाकी फिटिंग वगैरह का ये सब चीज़ को टोटल मिला के पड़ता है तुम्हारा 3000 रुपये का। किसी को लेना है तो ये मुझे बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका। गाइस एग्जॉस्ट लगाने की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है गाइस इसके जो है ना माइलेज गाड़ी का, अगर तुम्हारी गाड़ी 56 का माइलेज दे रही है तो 30 पे अटक जाएगा, वो जाके 30 से ऊपर का माइलेज वो नहीं देगी। मैंने आजमा लिया है लगा के, लेकिन यार आवाज़ देता है अच्छा लगता है लेकिन माइलेज पूरा ख़त्म हो चुका है गाड़ी का, टोटल माइलेज बहुत बेकार है। अभी मैंने 100 रुपये का तेल डलवा के ला रहा हूँ उसमें, यहाँ तक देखते हैं कितने का माइलेज देगी। सेकेंड डिसएडवांटेज जो हमारे एग्जॉस्ट का है, इसका सेकेंड डिसएडवांटेज तो गाइज वो है इसका, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो गाइज ये जो चीज़ देख रहे हो तुम, जहाँ मैंने उंगली टच कर रखी है, ये चीज़ इसका टूट जाता है लगाने से। इसकी वजह से अगर तुम इसे ज़्यादा टाइट कर दोगे तो भाई यहाँ से क्रैक आ जाएगा, ये तुम्हारा कॉपर का होता है और ये टूट जाता है, मतलब क्रैक आ जाता है, तुम देख ही सकते हो। मैंने ना इसे वेल्ड करवा रखा है, ठीक है, तुम देख ही सकते हो मैंने इस पर वेल्ड करवा रखा है, तुम्हारे को मैं दिखा भी दूंगा उसके ऊपर, इसके बाद मैं क्लिप ऐड कर दूंगा तुम देख लेना जो मैंने इसके ऊपर ये वेल्ड करवा रहा था जिस समय। चलो भाई डिसएडवांटेज भाई लगाने के एग्जॉस्ट टूट गया इसका, ये देखो ये टूट गया, डिसएडवांटेज है कि बहुत बड़ी। तो गाइस एक ये बहुत बड़ा हुआ है कि यार जो इस और ये जो टूटता है ना गाइस, जब ये टूटता है तो भाई इंजन से अटैच होता है, ये नया लग ही नहीं सकता, इस पर वेल्ड ही होता है खाली, और मेरी गाड़ी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो भाई देखो तुम, मैंने वेल्ड करवा रखा है यहाँ पे से, ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है एग्जॉस्ट लगाने की। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके थर्ड डिसएडवांटेज के ऊपर, जो मेरे को लगता है यार कि इसे लगाने से ये भी इस पर भी थोड़ा फ़र्क आया है मेरी गाड़ी में। तो गाइस वो है इसका पीछे वाला मडगार्ड, तुम देख ही सकते हो मैंने यहाँ से पहले से ऐसे करके कटवाया था एंड मैंने पहले मैंने कटवाया नहीं था, पहले टेल टाइट ही नहीं थी, एग्जॉस्ट मेरा बहुत पहले का लग रखा है, बट जो टेल टाइट थी ना गाइस वो ना एग्जॉस्ट जैसे दबता था नीचे तो ये ना यहाँ टच होता था, इसके टच होने की वजह से ना जो मेरा ये था इसमें बहुत ज़्यादा बम्प की आवाज़ आती थी। तुम देख दिखा देता हूँ, तो गाइस इस जगह ना एग्जॉस्ट का देखो पेंट उखड़ रखा है पूरा का पूरा, ये ना इस पर लग लग के इसका पूरा पेंट उखड़ गया था ये इसकी वजह से। तो बस इसलिए मैंने को टेल टाइट इसलिए गाइस मैंने अपनी गाड़ी में टेल टाइट लगवा दी एंड तुम देख सकते हो यहाँ से मैंने पहले कट कर रखा है, उन्हें पहले यहाँ से सीधा स्ट्रेट आता है
तो एक ये मुझे बहुत बड़ा लगता है कि गाइस यहाँ पे टच होता है इसकी वजह से, एग्जॉस्ट की वजह से। एक ये मुझे इसकी डिसएडवांटेज लगती है। चलते हैं इसके फोर्थ डिसएडवांटेज के ऊपर। तो गाइस जो मैं आपको बता रहा था कि यार कि ये मैंने पाइप है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, इसका ओरिजिनल मेरा घर पे रखा है, पूरा का पूरा स्टॉक साइलेंसर मेरा घर पे रखा है। तो गाइस एक मुझे इसकी वजह से लगा जो मैंने ये लगाया था, ये मतलब ठीक ही क्वालिटी का था, ज़्यादा बेकार का नहीं था। बट ना गाइस इसका ना वाइब्रेशन की वजह से, एक ये एग्जॉस्ट जो वाइब्रेशन करता है पीछे लग के यार, वो ना इस पे देखो तुम कितना ज़्यादा मैंने वेल्ड करवा रखा है, तुम देख ही सकते हो। यहाँ पे ना नट लगाया पूरा पूरा उस पे सपोर्ट की वजह से कि ये टूट ना जाए, ये बार बार टूट जाता था मेरा। एक जो इसकी स्प्रिंग है तुम ये देखो, ये लग लग के बार बार ये टूट जाता था, तो इसलिए मैंने इस पे यहाँ पे एक नट स्क्रू लगवाया एंड इसके यहाँ पे वेल्ड करवा दिया। एक ये मुझे इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज लगती है कि गाइस पूरा साइलेंसर ना वाइब्रेट करता है एंड यहाँ से टूट जाता है। चलते अपने लास्ट एंड पाइप डिसएडवांटेज के ऊपर। जो उसकी पाइप डिसएडवांटेज में बता रहा था उसका लास्ट पॉइंट है ये। तो गाइस जो उसकी लास्ट है, तो गाइस तो मैंने आपको बताया था कि यार इसकी वजह से ये पूरा वाइब्रेट करता है एंड ये वेल्ड का वाट जो है यहाँ से टूट जाता है। तो गाइस इसकी वजह से जो मेरा एग्जॉस्ट है इसमें पूरा का पूरा मतलब कि ये वाइब्रेट होने लग गया। जैसे कि मैं आपको ध्यान से चेक करना, ये साइलेंसर है एंड ये देखना, तुम ऐसे चेक नहीं होएगा यार, तुम ये देखना, ये ना यहाँ से मतलब यहाँ से ढीला हो चुका है पूरा का पूरा। ये देखो तुम्हारा रुक जाओ जाओ, अब देखना तुम नोटिस कर पा रहे होगे। तो गाइस ये ना यहाँ से पूरा ढीला हो चुका है, मतलब यहाँ से इतनी आवाज़ करता है, ये तो वाइब्रेट करता ही करता है बट यहाँ से भी वाइब्रेट करने लग चुका है ये, मतलब कि नया ही अभी एक तरह से। इतना ज़्यादा मैंने यूज़ ही नहीं करा, आधे टाइम तो बस गाइस ये गाड़ी से बाहर ही निकल रहा है, बहुत कम ही मैंने लगाया है गाड़ी में एग्जॉस्ट। लेकिन यार तुम ये देखो नया एग्जॉस्ट के साथ ये क्या हो गया, यहाँ से पूरा ही वाइब्रेट करने लग गया है। लेकिन कोई नहीं गाइस, शौक पाले तो झेलेंगे गाइस। बाकी गाइस यही थी कुछ पांच चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला था। अगर आप अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो गाइस ये सब आपको फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी अगर आपको इस चीज़ से बचना है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इससे बचना है तो गाइस मैंने यहाँ पे जो इसके स्प्रिंग होता है टाइट करवाने वाले वो नहीं लगाया था, आप वो लगा सकते हो तो शायद से यार इतना वाइब्रेट नहीं करेगा। ओवरऑल तो गाइस ये अभी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तुम देख ही सकते हो वाइब्रेट, अब इसकी रुकने भी वाली नहीं है क्योंकि यार जो इसके यहाँ के नट है ना ये ढीले हो चुके हैं। बस यही थी कुछ पांच चीज़ें जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला था।